वीरेश जी, बड़ी बैठक होने जा रही है, कमजोर बूथों को मजबूत करना है 24 से पहले, उसके लिए कैटेगरीज भी बना दी गई हैं। कितनी देर में बैठक शुरू होगी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है, यही बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, यही मोदी और शाह की पार्टी है, और 22 का चुनाव जीते नहीं कि 24 की तैयारी में लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है और टेलीविजन स्क्रीन पर सांसदों की गाड़ियां लग गई हैं, एक एक करके सभी सांसद उत्तर प्रदेश लोकसभा के वो बुलाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को छोड़कर सभी सांसदों को बुलाया गया है, राज्यसभा के 23 में 17 सांसदों को बुलाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, बैठक 11 बजे शुरू होने वाली है और बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा भी पहुंचने वाले हैं, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, और देखिए एक सांसद हमें मिल भी गए, ये तीसरी बार के सांसद हैं, गोरखपुर के बांस गांव से सांसद हैं कमलेश पासवान जी। ये बताइए क्या चल रहा है और क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बूथ सशक्तिकरण की बैठक है, और जैसा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में अपना कार्यक्रम नहीं तय करती है, पूरे 5 साल तक कार्यक्रम जनता के मार्फत बूथ के काम और सभी तरह के कार्यक्रम, और ये देखिए आज इसी, और भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों को बुलाकर अपने क्षेत्रों में जाकर और बूथ को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, जहां हम लोग चुनाव हारे हैं जिस बूथ पर, उस बूथ को कैसे हम मजबूत करें, आज उसी को लेकर बैठक। ये बहुत बड़ी बैठक है, ये बहुत बड़ी बैठक है, और देखिए एक एक करके सभी सांसद यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए रवि किशन भी आ गए, गोरखपुर के सांसद, ये और इनसे पूछ लेते हैं कैसे बैठक, एक अद्भुत बैठक है, बैठक की बूथ कैसे जीता जाए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि जिसने बूथ जीता वो चुनाव जीता, अद्भुत बैठक है, और मतलब अभूतपूर्व बैठक है, हर हर महादेव, अच्छा हुई, मतलब एक पार्टी की बैठक होती है, हम लोग चुनाव में उतर चुके हैं, 24 के चुनाव की तैयारी है। अच्छा, तो ये कैसी भारतीय जनता पार्टी है, सारी अभी पार्टी अभी घर बैठी है, दूसरे चुनाव में लगी है, और आप लोग अभी 22 जीते 24 में भी लग गए? राष्ट्रहित की पार्टी है, यही सीखना चाहिए, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्र के लिए आप काम करते हैं तो निरंतर आप यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तरह 365 दिन काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जानी जाती है, इसीलिए आज पूरा देश कोरोना काल के बाद भी खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। अच्छा ये बताइए, फिल्म इंडस्ट्री में थे तो इतनी मेहनत करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता? नहीं, वहाँ अपने मन से जिंदगी थी, यहाँ पे तो देश सेवा में उतरे हैं, तो अब देश के लिए, तो अब आराम नहीं, पहले अपने मन से सोते थे, अपने मन से टाइट कर दिया एकदम, नहीं देश की सेवा ने, जब हमारे प्रधानमंत्री इतना दिन रात काम कर रहे हैं तो हम लोग काहे नहीं करेंगे। तो आप भी ले लीजिए फार्म, और फॉर्म ले लिए, वही हमारा, हमारे भारतीय जनता पार्टी की पहचान, टोपी भी लगाइए, देखा जाए कितनी खूबसूरत लगती है, फिल्मों में तो बहुत देखा है, ये भी सुना नहीं, अब गायब नहीं है, डायलॉग अभी विरोधी गायक, एक तो संवाद दे, यह कहा कि भैया कि अब देश जब तरक्की करता है, और जब देश तरक्की करता, देश आगे बढ़ता है, तो फिर उसमें जी हाँ खत्म हो गया, क्या से वार, क्या कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बस एबीपी के सभी दर्शकों को बहुत सारा, एबीपी गंगा के दर्शकों को प्रणाम, हर हर महादेव। ये दूसरे चैनल पे जाइए, और आप देखिए कि एक एक करके जो सांसद हैं वो यहाँ पर अपना जो अलग अलग जगहों पे लगा है, काशी क्षेत्र है, गोरखपुर क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है, और ये सभी सांसदों को बुलाया गया है, ये चूंकि सारे लोग यहाँ इकट्ठा, महेश शर्मा जी भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, महेश जी अब कोरोना थोड़ा कम हो गया, वैसे डॉक्टर हैं आप तो एहतियात ज़्यादा बरतेंगे, नोएडा के सांसद हैं इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट, और NCR के सांसद हैं तो थोड़ी एहतियात ज़्यादा बरतनी होती है, महेश शर्मा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी ले जनता, ये बताइए खत्म नहीं हुई 24 में लग गए, आप लोग हारे हुए बूथों को जिताने के प्रयास में लग गए? देखिए यही भाजपा है, यही भाजपा है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी तैयारियां विकास के मार्ग पर, सुशासन के मार्ग पर, राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलती रहती है, और ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है, और ये आप समझ सकते हैं कि हम बरसाती मेंढक की तरह नहीं है।
ये कैडर बेस पार्टी होने के नाते 2024 की नहीं है, 2029 की भी तैयारियां हम लोग अभी से कर रहे हैं। अनिल जैन जी भी दिख रहे हैं आपको, अनिल जैन राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अनिल जैन जी, ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और मोदी की पार्टी में, आप तो संगठन में भी काम करते रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, क्या बदलाव है, ये किस रूप में रणनीति है, कैसे हारे हुए को जीतेंगे? नहीं, ये तो बहुत सामान्य तरीका है लेकिन इलेक्शन लड़ने में जो बूथ हमारे हरे बूथ हैं उनमें हमने कैसे संपर्क, सीधे संपर्क लाभार्थियों से संपर्क साधना है, जिन लोगों को प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है उनको एक बार अगर हम संपर्क करेंगे, उनके पास पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये बात जाएगी कि किस प्रकार के नेतृत्व ने उन्होंने किस प्रकार की सुविधाएं दी हैं और वो लोग हमारे संपर्क में आए। अनिल जी, एक बदलाव तो मैं जरूर अपनी नज़र से देख रहा हूं, टेलीविजन स्क्रीन के जो दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे, 19 में ये टोपी नहीं और ये 24 में टोपी आ जाएगी, तो ये टोपी किस पे लगेगी? ये टोपी का जो स्थानीकरण होगा और हर बूथ पर ये टोपी जाएगी, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगी, यही टोपी का संदेश। ये लाल टोपी वाले क्या करेंगे? लाल टोपी वाले जो कर रहे हैं, आपको बताएं, जो कर रहे हैं, जो अपीसमेंट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, उसकी राजनीति जो कर रहे हैं, उसका खामियाजा भुगत रहे, जनता खामियाजा दे रही है। तो समाजवाद की टोपी है, जमीन कहते हैं, क्रांति कहते हैं, लेकिन आपके सामने और सारे प्रदेश ने अनुभव किया है कि टोपी केवल परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपीसमेंट की टोपी है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होने वाली है उसमें सभी सांसद बैठे हुए हैं, सारे सांसद दिखाई पड़ रहे हैं हमें, नीरज शेखर जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, रविंद्र कुशवाहा भी हैं, ब्रिजलाल भी हैं, और क्योंकि यूपी के सभी सांसद 64 सांसदों में से, यानी राजनाथ सिंह जो स्थानीय सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया है, और सभी सांसदों को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीरज शेखर जी हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं, बलिया से लोकसभा के सांसद थे। ये बताइए, ये टोपी तो 19 में नहीं थी, 24 में है, किसको टोपी पहना देंगे आप लोग हारे हुए जी? ये पार्टी की टोपी है, यहाँ सब लोग टोपी पहने हैं। टोपी पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लोगों के लिए किस तरह काम करना है, देश के पिछड़े वंचित उनके लिए कैसे काम करना है, वो हमारी पार्टी सिखाती है। अच्छा, ये हारे हुए जो बूथ हैं उसको इस बार जीत लेंगे इस रणनीति? बिल्कुल, हम लोग का यही प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन बूथों के लिए काम करती रहती है जहाँ पिछली बार नहीं जीती थी, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक लग रही है। जी जी, और भी बहुत सारे सांसद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ब्रिजलाल जी, राज्यसभा के सांसद हैं, आप तो ब्यूरोक्रेट्स रहे, कानून व्यवस्था पर बहुत आपकी पकड़ रही, तो हारी हुई जो सीटें थी उसकी वजह क्या कानून व्यवस्था था? बेहतर कानून व्यवस्था है क्या? बेहतर कानून व्यवस्था है और जो सीटें हैं उसको जीतेंगे। भाई सब कुछ नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ बाइट न लीजिए। अच्छा, बाइट ले लेंगे, मनाइए यहाँ नहीं, बाद में चलिए। ठीक है, आपका चलिए, हम बाहर बता रहे हैं। अच्छा, बाहर के लिए बता, नाराज हो रहे हैं आप? चलिए, एक बार प्रधानमंत्री मंत्री हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। आपकी बात मानते हो आप? भाई साहब, ये बताइए, केंद्रीय मंत्री जी नमस्कार, ये जो बैठक है बघेल साहब, इस बैठक का क्या नतीजा? अतुल जी बताएंगे आप मौन है? अतुल जी, आपने ऐसा कह दिया कि अब मौन हो गया मामला। तो टेलीविजन स्क्रीन पर सारे सांसदों को देखिए, सतपाल सिंह जी भी बैठे हुए हैं, बागपत के सांसद, और संतोष गंगवार जी भी हैं, वीरेंद्र सिंह मस्त जी भी हैं, बलिया के सांसद महेश शर्मा को देखिए, सारे जो सांसद हैं, इंजीनियर प्रवीण निषाद भी वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। चूँकि संगठन से ये कहा गया है कि इसे नहीं दिखाना है तो मैं नहीं दिखाऊँगा। और देखिए आप सांसद रेखा वर्मा, तो कुल मिलाकर अतुल जी और भारतीय जनता पार्टी पर चल रही इस बैठक, बड़ी बैठक को टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों ने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी है, बदली हुई भारतीय जनता पार्टी जो 24 को जीत लेना चाहती है। रमापति राम त्रिपाठी जो देवरिया के सांसद हैं वो भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप बताइए, ये कौन सी टोपी क्षेत्र वाली पहन रहे हैं? नहीं, ये टोपी जो है हमारी राष्ट्रीयता की प्रतीक है, वो टोपी पहन रहे हैं। अच्छा, विकास की टोपी बता रहे हैं? विकास की भी है, राष्ट्रीयता की प्रतीक है, और टोपी कोई अब नहीं पहनना शुरू किया, हम लोग जब से भाजपा काम कर रहे हैं तब से पहन रहे हैं। अच्छा, हारे हुए बूथ को कैसे जीतेंगे? हारे हुए बूथ को भी जो माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने काम किया है, जन जन तक पहुंचा है, उसको जागृत करेंगे, प्रेरित करेंगे, संगठित करेंगे और जीतेंगे। बहुत ज़्यादा कागजात यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, एक लिखा पड़ी है, पढ़ लीजिए उसको। हाँ, पढ़ लीजिए, कागजात तो पढ़ने के लिए होता है। आपके लिए गोपनीय लग रहा है जी, बूथ सशक्तिकरण अभियान दिखा दीजिए जरा। इसको दिखाना क्या है? बोलो भाई, ठीक है। एक दूसरे सांसद भी आ गए, देखिए अशोक वाजपेयी जी भी आ गए,
समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे, अब राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक जी, ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी, आप तो सपा में भी मंत्री रहे, मुलायम सिंह के बड़े करीबी रहे, अब भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, तो हारे हुए बूथ को कैसे भाजपा जीतेगी और क्या बदलाव भाजपा में आप देख रहे हैं? सपा जो मुख्य विपक्षी दल है उससे कैसे मुकाबला होगा और क्या क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से इन पिछले 8 वर्षों में लोक कल्याण की योजनाएं चली हैं और जिस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने किया है और जिस तरह प्रदेश में एक कानून व्यवस्था को बना करके शांति और अमन कायम करने का काम किया है, उससे आज पूरे प्रदेश की जनता प्रभावित है और आज उसी का नतीजा है कि पूरे बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, किस तरीके से इस बैठक को लेकर तमाम तैयारियां हैं, किस तरीके से सांसद तैयार हैं, वो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।